Assalamu alaikum, dear student. Unit number 1, top name, history and nature of science. Our today topics are Islam and science and limitation of science. Islam and science. Science is inquisition. It's mean it is running after the unknown things. Yani science bhi hum kya karte hain, knowledge gain karte hain. और हमें क्या होता है, तजस्सुस होता है अब नेचर के बारे में जानना. बेसिकली साइंस हमारे पास क्या है, इट इज़ दी टू नो अबाउट द नेचर. तो नेचर के बारे में हमें तजस्सुस होता है. इसके अलावा इस्लाम हमें क्या करता है, इनक्रेज सीकिंग नॉलेज, यानी इनक्रेज करता है हमें नॉलेज गेन करने के बारे में. इसलिए दोनों हमारे पास जो इस्लाम और साइंस है, दोनों हमें नॉलेज के बारे में बताता है. तो दोनों ये हमारे पास क्या करते हैं, रिलेट हैं. तो इसके अलावा जो होली कुरान है, वो भी इनवाइट करता है मैन टू ट्रेवल एंड सर्च द हिडन रियलिटीज़ ऑफ यूनिवर्स. यानी हमारे कुरान मजीद में भी इंसान को दावत दी जाती है और के जो पोशीदा चीज़ें हैं उसके बारे में जानने और उसके बारे में इलम हासिल करने के बारे में. तो बेसिक जो लॉ है हमारे पास वो क्या है, गवर्न द वाइटल प्रोसेस ऑफ लाइफ और एक्सप्लेन इन दी होली कुरान. इस्लाम हमारे पास क्या करता है, नॉलेज के बारे में से क्या करता है, इनक्रेज करता है. तो कुरान मजीद में हम क्या करते हैं, वी फाइंड सेवरल वर्सेस इन कुरान दैट वेरियस प्रोसेस एंड फिनोमिना ऑकरिंग इन द यूनिवर्स आर आल्सो एक्सप्लोरिंग ओशन स्पेस हेवनली बॉडीज एक्सेट्रा. यानी कुरान मजीद में भी हमारी बहुत सी आयत हैं जो कि हमें क्या करते हैं, बहुत से प्रोसेस के बारे में बताए जाते हैं, जिसमें समंदर, खला, हेवन के बारे में और बहुत सी जो प्रोसेस होती हैं, जैसे दिन का रात बदलना, रात का दिन में बदलना, मौसमों का, ये सारे हमारे पास क्या करते हैं, ये फिनोमिना हमारे पास क्या करते हैं, कुरान मजीद में बयान किए गए हैं. तो हमारे पास क्या करते हैं, कुरान मजीद में भी इलम के बारे में दावत दी जाती है, गौर व फिक्र करने के बारे में बताया जाता है. बेस्ट एग्जांपल हमारे पास जो इस्लाम ने हमें इलम के बारे में दिया है, वो हमारे पास क्या है, हमारे पास हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कॉल है, टू एक्वायर द नॉलेज इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी मुस्लिम मैन एंड वुमेन. यानी इलम हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत की क्या है, पे फ़र्ज़ है और उसकी ये ड्यूटी है. इस्लाम हमें क्या करते हैं, इन मुख्तलिफ इलम के बारे में दावत देते हैं, मुख्तलिफ गौर फिक्र करने के बारे में हमें दावत देते हैं. तो हमारे पास जो मुस्लिम वर्ल्ड का जो हमारे पास गोल्डन एज था बिटवीन 7 to 13 सेंचुरी, उसमें भी हमारे पास क्या होती है, बहुत सी डिस्कवरीज और इन्विटेशन हुई है. मुस्लिम ने हमारे पास जो इस्लामिक वर्ल्ड था, हमारे पास मुस्लिम लीड द वर्ल्ड इन द स्टडी ऑफ मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जियोग्राफी. तो हमारे पास जो मुस्लिम वर्ल्ड था, जो मुस्लिम पीरियड भी जिसको हम बोलते हैं, गोल्डन एज भी बोलते हैं, उसमें भी हमारे पास मेडिसिन की स्टडी के बारे में, एस्ट्रोनॉमी, हमारे पास जैसे केमिस्ट्री से रिलेटेड एटम के बारे में बताया गया कि इट इज़ अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल एंड एवरीथिंग इन द यूनिवर्स दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर. और मैटर हमारे पास उस बेसिकली क्या होते हैं, एटम से बने होते हैं. लाइफ के बारे में यानी बॉटनी में हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ प्रोसेस पढ़ते हैं, अर्थ के बारे में पढ़ते हैं. तो ये सारे हमें क्या करते हैं, इस्लाम और साइंस एक दूसरे से रिलेट है. वर्सेस ऑफ होली कुरान, तो होली कुरान में भी हमारे पास बहुत सी वर्सेस हैं जो कि हमें इलम के बारे में बताती हैं और हमें सोचो फिक्र में मसरूफ़ रखती है. यानी हमारे पास क्या है, द कुरान कॉल अपॉन मुस्लिम टू लुक अराउंड देम एंड स्टडी द फिज़िकल वर्ल्ड सो दैट दे माइट अप्रिशिएट द मेजेस्टी ऑफ अल्लाह क्रिएशन. यानी मुसलमानों को बताया जाता है कि वो अपने इर्द गिर्द देखें, जो फिज़िकल हमारे वर्ल्ड है, यानी हमारे पास जो इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं, समंदर, दरिया वगैरह, उसके बारे में देखें
और इससे हमारे पास क्या होते हैं, जितनी भी हमारे इर्द गिर्द चीज़ें हैं उसके बारे में देखें और गौरव फिक्र करें हैं। और ये यानी हम हमें ये फिक्र करते हैं, ये सोचते हैं कि इसको बनाने वाला कौन है, यानी फिर अल्लाह के क्रिएशन के बारे में, अल्लाह की जैसे अल्लाह ने चीज़ें बनाई हैं उसके बारे में इंसान सोचता है। द पाउडर ऑफ द क्रिएशन ऑफ अर्थ एंड हेवंस, इंडीड द क्रिएशन ऑफ अर्थ एंड हेवंस, द डिफरेंसेज ऑफ डे एंड नाइट आर द इंडिकेशन फॉर द वाइज एंड इंटेलिजेंट। इसके अलावा दिन का बदलना, हमारे पास ज़मीन और आसमान का और दिन का बदलना यानी दिन का रात पे आना, रात का दिन पे आना, आसमान का जो हम पे छत है बग़ैर किसी सहारे के, ये सारे हमारे अक्ल जो मंद है और अक्लमंदों के लिए इसमें इशारे हैं। तो इस्लाम भी हमारे पास क्या करता है, जो कुरान है वो भी इल्म के बारे में दावत देता है। लिमिटेशन ऑफ साइंस, तो साइंस के हमारे पास क्या है, कुछ लिमिटेशन है। साइंस हमें डज नॉट मेक मॉरल जजमेंट, यानी जो हमारी जजमेंट होती है वो इतनी नतीज फुल या यूज़फुल नहीं होती। इसके अलावा साइंस में हमारे पास क्या होती है, डज नॉट टेल अस हाउ टू यूज़ साइंटिफिक नॉलेज, यानी हम साइंस में हम क्या करते हैं, प्रोसेस कर लेते हैं, नॉलेज गेन कर लेते हैं, नॉलेज लेते हैं, लेकिन साइंटिफिक नॉलेज इसको यूज़ करना के बारे में नहीं बताता। साइंस डज नॉट मेक एस्थेटिक जजमेंट, यानी जो जजमेंट हमारे पास होती है वो इतनी प्लेजेंट नहीं होती, हमारी जजमेंट इतनी क्लियर नहीं होती, साइंस उस बारे साइंस यहाँ पे लिमिट हो जाता है। और इसके अलावा साइंस ने हमारे पास कोई जो ड्रॉ होती है, डज नॉट ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट सुपर नेचुरल एक्सप्लेनेशन, तो जो सुपर नेचुरल एक्सप्लेनेशन के बारे में, सुपर नेचुरल जो क्रिएशन है उसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन साइंस नहीं देता। तो साइंस की हमारे पास क्या होती है, कुछ